कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जो सालों साल सड़कों पर और लोगों के दिलों पर राज करती है। उन्हीं में से एक है टाटा मोटर्स की एस, जिसे हम सारे भारतीय प्यार से छोटा हाथी के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं टाटा मोटर्स के उत्तराखंड स्थित पंतनगर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में गया था, यानी कि टाटा मोटर्स के पंतनगर वाले प्लांट में मैं गया था, जहां पर टाटा मोटर्स की एस का निर्माण होता है। दोस्तों, यहां पर टाटा मोटर्स की नई एस ईवी 1000 के लॉन्च के लिए हमें आमंत्रित किया गया था दोस्तों। लेकिन लॉन्च में जाने से पहले आइए टाटा मोटर्स की एस इस गाड़ी के इतिहास पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स की एस यानी कि छोटा हाथी एक ऐसी गाड़ी है जिसने लाखों लोगों का घर बसाने में मदद की है। लाखों लोगों ने इस गाड़ी से ट्रांसपोर्ट के सेगमेंट में अपने कदम रखे हैं और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए हो दोस्तों। और इस गाड़ी में काफी सारी रोजगार निर्मित का काम भी भारत देश में किया गया है। ऐसी है हमारी टाटा मोटर्स की एस गोल्ड। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ गाड़ियां सड़कों के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज करती है, तो बस उन्हीं में से एक है टाटा मोटर्स की एस। ₹2005 में लॉन्च की गई टाटा मोटर्स की एस आज यानी कि 2024 तक भारत के सड़कों पर काफी बढ़िया तरीके से राज कर रही है। दोस्तों, अब तक 23 लाख से ज्यादा टाटा मोटर्स की एस भारत की सड़कों पर दौड़ रही है दोस्तों। और पिछले 15 सालों से ये गाड़ी कस्टमर्स की नंबर वन चॉइस रही है मिनी ट्रक्स के सेगमेंट में। आज टाटा मोटर्स ने एस ईवी 1000 को लॉन्च करके इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भारत का पहला 1 टन की सेगमेंट वाला मिनी ट्रक भारतीयों को प्रदान किया है। दोस्तों, 1 टन का जो पेलोड सेगमेंट होता है वो भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का एक काफी महत्वपूर्ण पेलोड सेगमेंट माना जाता है। दोस्तों, इस सेगमेंट की गाड़ियां खासकर LMD यानी कि लास्ट माइल डिलीवरी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। अपने घर तक आने वाले दूध, अंडे, ब्रेड, न्यूज़पेपर से लेकर ई कॉमर्स तक की सारी मूलभूत चीजें इन गाड़ियों की मदद से ही हमारे घरों तक सेफली और सिक्योरली डिलीवर की जाती है। इसी वजह से ये जो 1 टन वाला सेगमेंट है, ये हमारे भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि 1 टन वाले इस सेगमेंट में डीजल, पेट्रोल और CNG व्हीकल्स काफी बढ़िया तरीके से अप्लाई कर रही थी, लेकिन कहीं पर एक जरूरत थी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को 1 टन के सेगमेंट में लाने की। आज से ठीक 2 साल पहले टाटा मोटर्स ने एस ईवी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में अपने कदम रखे थे और हमें एस ईवी मिली थी, जिसका पेलोड कैपेसिटी था 600 किलो का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते डिमांड को ध्यान में रखते हुए और अपने इस्टीम्ड कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स और राय जानकर टाटा मोटर्स ने एस ईवी को 1 टन यानी कि 1000 kg के सेगमेंट में उतारा है। तो आइए इस गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत मूलभूत जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर लुक से। आप देख सकते हैं क्लियरलेंस हेडलैम्प सब कुछ गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा। मेन जो है ये बैजिंग। आप लोगों को सवाल होगा कि 1000 इसका क्यों बैजिंग किया है। 1000 यानी कि 1000 kg यानी कि 1 टन जो इसका पेलोड कैपेसिटी है वही इसका जो है मॉडल नंबर जो होने वाला है। आप आगे से देख सकते हैं जो इसका फ्रंट लुक है, मतलब जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में टाटा एस आपको तो पता है महाराजा है, तो वही लुक जो आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये फ्रंट शो जो है ना, काफी सारे ट्रांसपोर्ट ओनर्स सभी लोगों का जो है फ्रंट फेस जो है काफी फेवरेट होने वाला है। आप देख सकते हैं काफी सुंदर से ब्लू कलर में जो गाड़ी देखने के लिए आपको मिलने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 8 ply रेटिंग के 13 inch के टायर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो काफी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रदान करेंगे। उबड़ खाबड़ रास्ते हो या फिर किसी भी तरह का टेरेन हो, ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। आगे पीछे आपको पट्टे काम आने वाला सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो काफी रोबस्ट है, जो आपको कंफर्ट के साथ साथ बढ़िया लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है प्रदान करेंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात आई है तो बात करते हैं डाले की, लोडिंग ट्रे की। 7 ft 2 in लंबा और 4 ft 9 in चौड़ा लोडिंग ट्रे आपको इस गाड़ी में देखने के लिए जो है मिल जाएगा। काफी बढ़िया लोडिंग जो इसमें आप कर सकते हैं। रेटेड पेलोड कैपेसिटी है 1000 kg यानी कि 1 टन की। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है रेंज। तो भाई कितनी रेंज दे रही है गाड़ी, सभी को सवाल होगा।
161 किलोमीटर की इसकी ARAI सर्टिफाइड रेंज जो है वो होने वाली है, एंड सिंगल चार्जिंग में 161 किलोमीटर जो ये गाड़ी चलेगी। एंड आपने हमारे चैनल पर देखा ही होगा कि इस गाड़ी के ऊपर आपको 7 साल की जो है वारंटी कंपनी की ओर से देखने के लिए मिल जाएगी, जो एक काफी बढ़िया बात है। हैजल फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर जो है मिलेगा। तो दोस्तों 21.3 किलोवाट कैपेसिटी का जो है बैटरी पैक आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी प्लेसमेंट जो है बीच में आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, जिसकी प्लेसमेंट बिल्कुल बीच में की गई है। साथ ही में चार्जिंग की बात करें तो ये रही गाड़ी की चाबी, यहाँ से जो है इसका चार्जिंग पोर्ट आप खोल सकते हैं, एंड दीज आर द पोर्ट्स, यहाँ से जो है आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। एंड होम चार्जिंग के साथ साथ, यानी कि घर पे आप 3-pin सॉकेट से तो चार्ज कर ही सकते हैं, उसी के साथ साथ पूरे इंडिया में 500 प्लस फास्ट चार्जिंग का जो नेटवर्क टाटा मोटर्स की ओर से लगाया गया है, जहाँ पर इस गाड़ी को आप फास्ट चार्ज जो है वो कर सकते हैं। ये रहे इसके पोर्ट्स, एंड काफी ध्यान जो इस पर रखा गया है। पावर आउटपुट की बात करें तो 36 HP का पीक पावर ये गाड़ी जो डिलीवर करती है 130 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क के साथ। तो इतनी पावर और टॉर्क जो सिटी एप्लीकेशन से उसके लिए जो है काफी इनफ होती है। तो आइए इसे लॉक कर देते हैं एंड आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों तो आपकी गाड़ी कहाँ पर है, किस रूट पर है, किस जगह पर है, साथ ही में कितना परसेंट चार्जिंग बचा हुआ है, उन सभी चीजों के लिए भी टाटा मोटर्स ने इसमें ध्यान दिया गया है। इसमें आपको फ्लीट एज टेलीमेटिक्स की सुविधा जो है कंपनी की ओर से प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपके गाड़ी का जितना भी एनालिटिकल डेटा है आपके फोन पर, आपके लैपटॉप पर आप इजीली एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। फ्लीट एज टेलीमेटिक्स एक काफी मतलब एडवांस सॉफ्टवेयर है टाटा मोटर्स की ओर से, जिसके अंदर आप गाड़ी से जुड़े हुए जितने भी पैरामीटर्स है आपके फोन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर इजीली ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, जो एक काफी बढ़िया बात होने वाली है। तो कैसी लगी आपको टाटा मोटर्स की ACE-V1000 हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों 2005 से लेकर 2024 तक टाटा मोटर्स की एस का ये अनोखा सफर आपको कैसा लगा, उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल एड एक्सन ब्लॉग्स, ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।